दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 5 राज्यों से गुजरेगा। 1350 किलोमीटर लंबा रास्ता, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 4 लेन होंगी। 2023 में कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। दिल्ली से मुंबई के बीच 1350 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे पर 350 किलोमीटर तक काम हो चुका है। अभी 8 लेन बनाए जा रहे हैं, इनके अलावा 4 लेन और बढ़ाए जाएंगे, 2 जाने के और 2 आने के। ये चारों लेन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होंगे। यह देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन होंगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बनकर तैयार हो जाने से केवल समय ही नहीं बचाएगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे नई औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका सर्वे जारी है। पूरे रूट पर 92 स्थानों पर इंटरवल स्पॉट डेवलप किए जाएंगे। कोरोना के चलते एक्सप्रेसवे बनाने में देरी हुई। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि एक्सप्रेसवे का काम जनवरी 2023 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि कोविड के चलते काम में देरी हुई थी। मुंबई से दिल्ली तक का सफर 13 घंटे में पूरा होगा, अभी 25 घंटे लगते हैं। दिल्ली मुंबई के बीच 150 किलोमीटर की दूरी घटेगी। एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली मुंबई के बीच 150 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले NH8 पर अभी वाहनों का अत्यधिक दबाव है। इस पर रोज 1,00,000 वाहन चलते हैं। ये वाहन एक्सप्रेसवे पर शिफ्ट होंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की प्रमुख खासियतें। एक्सप्रेसवे से हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन बचेगा। सुरक्षा के लिए सड़क के दोनों ओर 1.5 मीटर ऊंची दीवार बनेगी। टोल प्लाजा हाईवे के बजाय स्लिप लेन में बनेंगे ताकि जिस शहर में जाएंगे उतना ही टोल लगे। हर 2.5 किलोमीटर के बाद पशुओं के लिए ओवरपास बनाए जाएंगे। हर 500 मीटर पर एक अंडरपास होगा। एक्सप्रेसवे के आसपास 15,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे। हर 50 किलोमीटर पर दोनों ओर फैसिलिटी सेंटर होंगे। वहां रेस्तरां, फूड कोर्ट, सुविधा स्टोर, ईंधन स्टेशन, ईवी चार्जिंग पॉइंट और शौचालय आदि होंगे। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों के लिए 120 किलोमीटर घंटे की स्पीड तय होगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर लाइटें सोलर पावर से चलेंगी। दिल्ली से दौसा का रास्ता दिसंबर तक पूरा होगा। गुरुग्राम से जयपुर रिंग रोड तक एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे 8 के समानांतर तैयार किया जाएगा। यहां से अलवर हरियाणा होते हुए आदिवासी क्षेत्र झबुआ रतलाम वडोदरा तक जाएगा। इसमें दिल्ली से दौसा 280 किलोमीटर का काम इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के झबुआ रतलाम सेक्शन पर एक्सप्रेसवे का काम जारी है। बड़ौदा मुंबई सेक्शन का 90% काम पूरा किया जा चुका है। 2018 में शुरू हुआ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ। 9 मार्च 2019 को इसकी आधारशिला रखी गई। 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इंडोनेशिया की 1167 किलोमीटर लंबी ट्रांस जावा रोड 2019 में 2 दशकों के बाद बनकर तैयार हुई। वहीं करीब 217 किलोमीटर का जापान का सिंटोमा एक्सप्रेसवे जापान में 2000 में बनकर तैयार हुआ। ज से बनने में करीब 1 दशक का समय लगा।